थैंक यू वेरी मच। आज इस बर्थडे को देख रहे हैं आपकी फैन फॉलोइंग, अभी जानते हैं कैसे देखते हैं आप अपने इस बर्थडे को? बट इस बार कुछ बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन है नहीं, सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है। सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है, कोई नहीं है यहाँ पर। और वैसे हमें इस बार कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये साल सबके लिए बहुत ख़राब गुजरा है और सब बहुत डिफिकल्टीज में रहे हैं, तो ये इस बार सेलिब्रेशन बनता है नहीं। होपफुली के सब अगले साल ठीक हो जाए और क्रिसमस और न्यू ईयर हम सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो और अगला साल हमारे लिए, कौन सा साल अगला साल? 2021। अच्छा, ओके, 2021 हमारे सबके लिए बहुत अच्छा हो, आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। और तो आज 27 हो गया, तो फिर बस यही है। और जस्ट होप दैट एवरीवन इज हेल्थी एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड सेफ। और मास्क पहनो और हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि आप सब सेफ हो। और जैसे कि मैं बिग बॉस में कहता हूँ कि प्यार करो ना, माता पिता से प्यार करो ना, डोंट गिव देम कोरोना। बस यही है भाई। राधे का लोगों को बहुत ही बेसब्री से, अब राधे जब रिलीज होगी तो रिलीज होगी, अब देखो कि ये सिचुएशन क्लियर हो जाए, वैक्सीन निकल आए और सब वापस से थिएटर्स जाना शुरू कर दें, सबके पास इतने पैसे हों कि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे खर्च करें, तो जब भी होगी वो फिल्म वो होगी। अब देखते हैं कि पिछले ईद का कमिटमेंट था, अब इस ईद का कमिटमेंट दे देंगे बहुत ही जल्दी, तो अगर इस ईद तक सब क्लियर हो जाता है तो इस ईद पे रिलीज़ होगी, नहीं तो फिर देखेंगे। जब भी रिलीज़ होगी रिलीज़ होगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम रिलीज़ करते हैं राधे को तो वो सब जो भी थिएटर में जाएं वो सेफ रहें। अगर सेफ नहीं है और खुदा ना खास्ता किसी का देहांत हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखेंगे कि हर चीज़ सक्सेसफुली प्लान करके करें। और आज 27th है, बीइंग ह्यूमन के अंदर सेल है और क्योंकि कोविड टाइम है अभी भी और वापस से तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आज भी है और कल भी है। तो जाओ बीइंग ह्यूमन स्टोर्स, रोटी कपड़ा और मकान। अब मकान तो मैं सप्लाई नहीं करता, मैं खुद वन बेडरूम में रहता हूँ। तो जो भी हम डिस्काउंट कर सकते हैं 40-50% वो डिस्काउंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा शायद नुकसान होगा लेकिन आपका फ़ायदा होगा। तो जाएं भी उनमें, जितने भी कपड़े उठाना चाहें उठा लें वहाँ से। तो कल और परसों मींस आज 27 और 28 बीइंग ह्यूमन स्टोर्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा तगड़ा सेल मिलेगा, जाएं और ऑलमोस्ट नथिंग के अंदर जाके अपनी शॉपिंग कर लें। और जहाँ तक के रोटी का सवाल था, अब जितना हम कर सकते थे हमने किया और आगे भी जाके करेंगे, लेकिन दुआ करते हैं कि सबकी रोज़ी रोटी नौकरी सब चलें और सब वापस से अपने पैरों पे खड़े हों। हाँ, तो हर जो बुरी चीज़ करते हो उसको कम करो और जो हर जो अच्छी चीज़ करते हो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ।